वेलकम दोस्तों। दोस्तों आज हम पकवान बनाने की विधि बताएंगे आपको। तो पकवान बनाने के लिए दोस्तों हमने सबसे पहले लिए है उड़द की दाल बिना छिलके वाली, और इसको दोस्तों अच्छे से धो के रेडी करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दाल धोना स्टार्ट कर लिया है, और दाल धो के दोस्तों अब कढ़ाई में 2-3 लोटा पानी लेंगे और पानी के अंदर दाल को डाल देंगे, जो धुल धो के रखी है वही दाल इसमें डाल देते हैं। और हमने सारी दाल इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, 2 से 2.5 लोटा पानी ले सकते हैं आप। और अभी हमने हल्दी डाली है और थोड़ा सा नमक डालेंगे दोस्तों इसमें, और 2 या 2.5 चम्मच तेल डालेंगे। तो हमने यहाँ पे हल्दी और नमक और अभी तेल बचा, तेल डाल देते हैं। हमारा तेल भी डाल दिया हमने इसमें, और अभी ढक्कन देके इसको गैस के ऊपर रख देंगे दोस्तों, और इसको अच्छे से उबलने देंगे दोस्तों, तब तक दाल पूरी तरह से घुट ना जाए, मिक्स ना हो जाए सब पानी में। दोस्तों हम पकवान बनाने के लिए यहाँ पे मैदा लिया है, और मैदे को अच्छे से छान लेंगे ताकि उसमें कोई गुठली या लंग्स वगैरह कुछ ना रह जाए, कचरा वगैरह साफ कर लिया है। और आटे में हमने अभी डाला है अजवाइन, डाला है 1/2 मुट्ठी अजवाइन डाला है, नमक डाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो, और नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी हमने, हल्की सी। तो दोस्तों अभी हम इसको आटा लगाएंगे। आटे के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे, चम्मच या 1.5 चम्मच तक तेल डाल सकते हैं। अभी आटा लगाएंगे। आटे को दोस्तों ना तो ज़्यादा गीला रखना है और ना ही ज़्यादा कड़क रखना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आटा लगाना शुरू कर लिया है, देखिए दोस्तों इस तरह से रखना है। तो हमारा आटा लगभग रेडी हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से रखना है, ना तो ज़्यादा पानी रखना आटे में और ना ही बहुत ज़्यादा कड़क रखना है। दोस्तों आप चाहो तो आटे को थोड़ी देर रख भी सकते हो लगाने के बाद, और ना चाहो तो इसको डायरेक्ट भी पकवान बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे आटा लगा के उसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया है, बेलन वगैरह पे और बेलन चकले पे तेल लगा लिया है अच्छे से, ताकि हमारा पकवान बेलन और चकले पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो हमने सब जगह तेल लगा के अच्छे से लोए बना लिए हैं, और एक एक लोए से हम बेलेंगे। तो हमने यहाँ पे बेलना शुरू कर लिया है, और आप चाहो तो बड़ा लोया भी बना सकते हो अगर आपको बड़ा बनवाना, मोटा पकवान बनाना है तो, और पतला बनाना है तो आप चाहो तो छोटा लोया भी ले सकते हो। इस तरह से पकवान को पूरा बेलना है दोस्तों, पूरा गोल बनाना है और थोड़ा पतला ही रखना है। तो हमने यहाँ पे बेल के अच्छे से अखबार में रख लिया है दोस्तों, और हर पकवान को अलग अलग रखना है, अलग अलग अखबार में, ताकि पकवान एक दूसरे पे चिपके नहीं। और इसी तरह से सारे बेल लेंगे हम, सारे पकवान ऐसे ही बेलेंगे और अखबार के बीच में रख लेंगे, फिर उसके बाद पकवान को अच्छे से तलेंगे। तो हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, लगभग पकवान हमने सारे बेल लिए लगभग, और अभी कंप्लीट कर लेते हैं। हो गए हमारे सारे पकवान, और अभी दोस्तों हम पकवान कंप्लीट करके अभी कढ़ाई में, बड़ी सी कढ़ाई लेनी है दोस्तों, उसमें तेल लेना है, और ज़्यादा तेल लेना है ताकि पकवान डूब जाए उसमें। तो हमने यहाँ पे तेल लिया है, और तेल को गर्म करने के लिए रख लेते हैं दोस्तों। तो हमारे यहाँ पे तेल भी गर्म लगभग हो चुका है, अभी हम पकवान लेंगे दोस्तों और तेल में फ्राई करेंगे। तो दोस्तों हमारा तेल थोड़ा सा बाकी रह गया है गर्म होने के लिए, हो गया लगभग। अभी हम पकवान डालते हैं तेल में,
अभी थोड़ा सा तेल और भी करना था गरम, लेकिन चले गया, कोई बात नहीं। आप चाहो तो दोस्तों इस पकवान में जब बेलते हैं उस टाइम आप चाहो तो कांटे वाले चम्मच या चाकू की सहायता से आप चाहो तो सब जगह थोड़े थोड़े छेद कर सकते हो, ताकि पकवान फूले नहीं तेल में। हमने यहाँ पे छेद नहीं किया है, हमने यहाँ पर डायरेक्ट बनाया है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से ये फूल रहा है बिना छेद के कारण फूलता है। अगर इसकी हर जगह पे आप छेद कर लोगे पकवान में तो बिल्कुल नहीं फूलेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से तलना है आपको, बिना छेद का है इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ता है, वरना छेद होने से इतना ज़्यादा फुलाव नहीं होता है पकवान में। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे पकवान दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है और लगभग हमारा पकवान रेडी हो गया है। दोस्तों देखिए, आप चाहो तो इसको हल्का और भी पका सकते हो, वरना ये सही है, बिल्कुल पकवान देखो रेडी हो गया है। दोस्तों हमारा पकवान बिल्कुल बन के, इसी तरह से सारे पकवान फ्राई करने हैं हमें, तेल में अच्छे से पकाना है। ये देखिए दोस्तों, जो हमने अखबार में रखा था इसको आसानी से ले सकते हैं पकवान को, एक दूसरे पे चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी, और इसको तेल में डायरेक्टली डाल देंगे इस तरह से। अगर आप चाहो तो एक साथ बना के रखना है तो ऐसे करके चाहो तो रख सकते हो, और वरना आप चाहो तो एक एक पकवान को आसानी से फ्राई कर करके बना सकते हो, बेल सकते हो। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने थोड़ा सा डार्क कर लिया था, तो हम पकवान की चटनी बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ा पुदीना लिया है और उसमें मिर्ची डालते हैं, सूखा पुदीना लिया है, और मिर्ची ज़्यादा रखनी है, बहुत सारी मिर्ची लेनी है दोस्तों। तीन चार छोटे वाले चम्मच लिया हमने मिर्ची, और भी लेनी है थोड़ी सी, और नमक लिया है। तो यहाँ पे हमने प्याज भी कटिंग करके रखा है, धनिया भी है, और इसी मिर्ची में हम अभी नींबू कटिंग करके डालेंगे दोस्तों, ताकि पकवान की चटनी तैयार हो जाती है हमारी। ये देखो दोस्तों, इस तरह से करना है चटनी, नींबू का रस डाल के तैयार कर ली हमने चटनी। धनिया भी कटिंग कर लेते हैं, इधर धनिया भी हमारा कटिंग हो रहा है, और प्याज वगैरह कटिंग हो चुका है दोस्तों। तो अभी हम पकवान की तैयारी करते हैं दोस्तों, थाली बनवाएंगे। तो दोस्तों हमने एक पकवान लिया है, यहाँ पे हमने जो दाल कढ़ाई पे रखी थी उसको भी अच्छे से घुटा दी है और अच्छे से बन गई है दोस्तों। यहाँ पे चटनी लिया है और प्याज धनिए मिक्स करके लिया हमने, और यहाँ पे दाल ली है दोस्तों। देखिए कितनी अच्छी बनी है दाल दोस्तों, अभी मिक्स करेंगे और भी बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। कितने अच्छे से बन चुकी है, देखिए दोस्तों हमारा पकवान कितने अच्छे से बना है, ये देखिए दोस्तों कितना शानदार बना दोस्तों। देखिए